गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आलोक और आपके बीच लाया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच कैरी यूजफुल एंड हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी। क्लियर है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन का आंसर हम इस प्रकार से देंगे। सम arrangement is required inside an organism which can carry the essential substance to all its parts so that they reach each and every cell of its body. Is it clear? Now we see transportation in animal, human. Blood, lymph, arteries, veins, capillaries and heart, etc. are responsible for transportation. Clear? Blood, lymph, arteries, vein, capillaries and heart. ये सब क्या है? तो transportation के लिए जरूरी है, responsible है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो हम लोगों में transportation नहीं हो पाएगा। Clear? देखिए blood. Blood is fluid connective tissue. यह हमारे बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन्स बॉडी इज 7% ऑफ टोटल वेट। यह हमारे बॉडी का टोटल वेट का 7% होता है। क्लियर है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बेस हुज पीएच वैल्यू इज 7.4। सो ब्लड इज बेस। देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 liters of blood in human body. Clear है? Female contains half liter of less. Female contain half liter of less in comparison of male. यानी क्या मतलब, एक less क्या होता है comparison to male, यानी blood. Clear है? Blood नहीं लिखे। Blood is consist of two part. इसका two part होता है। First मैं देखूँ तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो पूरे ब्लड, मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्लड 100% है। कितना परसेंट? 100%। 100% में 60% क्या है? तो प्लाज्मा है। और 40% क्या है? तो ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर? आई रिपीट, 100% आपका बॉडी में ब्लड है, 100% में 60% प्लाज्मा, 40% ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर है? देखिए ब्लड कॉर्पसल्स तीन प्रकार के होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ध्यान देंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स। क्लियर है? देखिए प्लाज्मा, मैं बताया अभी कि यह ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो ब्लड का 60% होता है। ब्लड का 60%, अगर आपके बॉडी में सपोज दैट प्लाज्मा 100% है, तो 100% में क्या होगा? तो 90% वाटर होगा। क्लियर? हाँ, याद रखेंगे कि ये ब्लड का 60% है, ना कि प्लाज्मा आपके बॉडी में, ठीक ना, मतलब 60% है, ये ब्लड का 60% है। यानी 100% आपका बॉडी में क्या है? प्लाज्मा। तो 90% प्लाज्मा में क्या है? वाटर है। क्लियर? 7% प्रोटीन है, किसमें? प्लाज्मा में। क्लियर? और 0.1% ग्लूकोज है और 2.9% अदर सब्सटेंस है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा। सेकेंड देखिए है आरबीसी। क्या है आरबीसी? आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। और ये रेड ब्लड सेल यानी आपका बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड का कलर रेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड कलर इज रेड, ब्लड का कलर लाल होता है। किसके प्रेजेंस से? तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से। क्लियर? ये आरबीसी का कोई पूछेगा जीवन का लाइफ टाइम कितना होता है, तो 100 से लेकर के, ठीक ना, 120 यानी 100 से 120 दिन आरबीसी रेड ब्लड सेल का मतलब लाइफ टाइम है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? तो 2 से 5 दिन। क्लियर? और इसका तो
तीन से पाँच दिन और इसका 2 से 5 दिन, क्लियर है? इसका लाइफ टाइम है, क्लियर है? तो आप याद रखेंगे कि WBC ये हमारे जिस तरह से BSF काम करता है देश के लिए, उस तरह से ये हमारे बॉडी में मैंने बॉर्डर सेक्रेटरी का काम करता है। जैसे मैं बात करूं तो बाहर से प्रवेश करने वाला, इंटर करने वाला बैक्टीरिया वायरस को ये क्या करता है, किल करता है और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, क्लियर? अगर WBC आपके बॉडी में मतलब वीक हो जाएगा तो आप जल्दी मतलब बीमार पड़ोगे, इन्फेक्शन आपको जल्दी होगा। प्लेटलेट क्या करता है, तो आपका बॉडी का कोई ऑर्गन अगर कट जाता है तो ब्लड फ्लो करते रहता है, तो उसको ये क्लॉट करने का काम करता है, यानी खून को रोकने का काम करता है, क्लियर है? देखिए ये ब्लड है, क्लियर? और आपको से क्यों क्वेश्चन पूछे व्हाट ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, यानी क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, इन एरिथ्रोब्लास्ट सेल, यानी बोन मैरो में भी कहाँ, तो एरिथ्रोब्लास्ट नमक सेल में, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन एरिथ्रोब्लास्ट सेल इन बोन मैरो, क्लियर? और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन वोमेंस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन स्प्लीन, क्लियर? ध्यान देंगे, ये पोल्मोनरी आर्टरी है, ये मेन आर्टरी जिसको aorta कहते हैं, ये पोल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रियम, डाइकुस्पिड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सेप्टम, सेप्टम ये वाला जो वाल दिखाई पड़ रहा है जो मतलब हार्ट को डिवाइड करता है 4 चैम्बर में, क्लियर है? उसको सेप्टम कहते हैं हम लोग। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है जो हार्ट के मतलब चारों ओर कवर किए हुए हैं, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्लियर है? इधर देखिए ये राइट वेंट्रिकल्स है, हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको राइट वेंट्रिकल्स, और ये क्या है, तो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, और ये ट्राइकुस्पिड है, ये पोस्ट कैवल वेन है और ये प्री कैवल वेन है। पोस्ट कैवल वेन और प्री कैवल वेन को हम लोग वेना कावा भी कहते हैं, क्लियर? ध्यान देंगे, प्री कैवल वेन और पोस्ट कैवल वेन को हम लोग ठीक ना वेना कावा कहते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक ना? क्या, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्लियर है? इसे हम बढ़िया से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं जो जो देखिए इस प्रकार है, क्लियर है? देखिए ये लंग्स हो गया, सपोज दैट लंग्स का डायग्राम रियली में तो ऐसा होता है, देखिए इस प्रकार ये लंग्स हो गया, ठीक है? और ये लंग्स में जो अंगूर के गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा है, इसका एयर सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयर सैक, इसका एक और नाम है एल्वियोली, यानी ऑक्सीजन जो है जो CO2 में कन्वर्ट पूर्ण रूप से, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके बॉडी में इंटर करता है तो कार्बोनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, तो वो पूर्ण रूप से CO2 में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो इसी एयर सैक यानी एल्वियोली में, यानी ऑक्सीजन कन्वर्ट इंटू CO2 इन लंग्स इन एयर सैक या एल्वियोली, क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये लंग्स है, और जब लंग्स, देखिए फर्स्ट स्टेप है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन करता है, तो पोल्मोनरी वेन करता है, कौन करता है, पोल्मोनरी वेन। ध्यान दीजिए, वेन हमेशा CO2 को कैरी करता है, क्या चीज़ कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, और आर्टरी हमेशा O2 को कैरी करता है, लेकिन पोल्मोनरी वेन और पोल्मोनरी आर्टरी, पोल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ये पल्मोनरी वेन है और हम विशेष एक और डायग्राम जो बनाए हुए उसमें देख लेंगे, ठीक है? पल्मोनरी वेन है ये, पल्मोनरी वेन क्या चीज कैरी करता है, O2 को, जबकि यहाँ देखिए दुनिया में जितने भी वेन मतलब आपके बॉडी में जितने भी वेन है ये सारे वेन क्या चीज कैरी करता है, तो CO2 को कैरी करता है, लेकिन ये अपवाद में ऐसे एक्सेप्शन कैसे ये कि पल्मोनरी वेन O2 कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी CO2 को कैरी करता है, क्लियर? ध्यान देंगे, लंग्स से फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप वन, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में, किसमें, हार्ट में लाने का काम ठीक ना पल्मोनरी वेन करता है, क्लियर है? और हार्ट का लेफ्ट एट्रियम यानी फर्स्ट चैम्बर, देखिए स्टेप वन, स्टेप टू, देखिए यहाँ पर हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट से बाहर निकलता है, बाहर निकल के बॉडी में जाता है, और बॉडी से फिर स्टेप फोर, ये कहाँ, तो पुनः हार्ट में आता है, ठीक ना, ये बॉडी से बाहर निकला, ठीक है? स्टेप फाइव यानी फिर कहाँ आएगा, बॉडी में, हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर ये निकल कर कहाँ जाएगा, तो लंग में जाएगा, क्लियर है?
ध्यान देंगे, ये जो स्टेप आपको दिखाया पड़ रहा है, देखिए ये इनेट वल्वा, इसको कहते, इसको भी इनेट वल्वा कहते हैं और इसको भी इनेट वल्वा कहते हैं, लेकिन ये इनेट वल्वा का नाम है क्या, तो डाइकुस्पिड, और इस इनेट वल्वा का नाम है ट्राइकुस्पिड, जो हम लोग मतलब हर्ट का जो मतलब पूरा बढ़िया जो डायग्राम है उस डायग्राम में हम लोग देख लेंगे। क्लियर है, ध्यान देंगे। कोई पूछा है क्वेश्चन आपसे कि हम लोगों का हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर है, देखिए ये जो दिखाया पड़ रहा है ये कार्बोनेटेड ब्लड का मतलब ये पाथवे है, ठीक है, इसी में मतलब कार्बोनेटेड ब्लड रन करता है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये डायग्राम ये साइड से, जो ऑक्सीजेंटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजेंटेड ब्लड रन करेगा, कौन रन करेगा, ऑक्सीजेंटेड ब्लड। आई रिपीट, ध्यान देंगे एक बार, देखिए ये लंग है, लंग से ऑक्सीजन हार्ट में आता है, लाने का काम कौन करता है, तो पल्मोनरी वेन करता है, और हार्ट से फिर क्या होता है तो बॉडी में निकलता है, इस जो बॉडी में निकल रहा है इसको aorta कहते हैं, aorta, aorta के थ्रू कहाँ जाता है, तो बॉडी में चला जाता है, कौन, ऑक्सीजन। क्लियर है, और ऑक्सीजन बॉडी में आता है तो बॉडी में ये बॉडी में ऑलरेडी पहले से कार्बन है और ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2। अब देखिए ये CO2 मतलब बन गया बॉडी में, और ये बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, तो पुनः हार्ट में आएगा। क्लियर, और ये हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, तो लंग में जाएगा, और ये लंग से नोजल कैविटी होते हुए बाहर निकल जाता है, यानी हार्ट में ब्लड को 2 बार रन करना पड़ रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बोनेटेड ब्लड। इसीलिए मनुष्य का जो हार्ट है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य को हार्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कि मनुष्य के जो हार्ट है यानी ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट में ठीक है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बोनेटेड ब्लड, यानी हार्ट से ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है। क्लियर है, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हार्ट को। क्लियर, क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम में, तो आइए हम लोग देखते हैं ठीक है हार्ट का जो मेन डायग्राम हो उससे समझते हैं, बहुत अच्छा से आप समझ पाएंगे, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, तो वही लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ लाता है, तो लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है, लेफ्ट एट्रियम से ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, किसके थ्रू, तो ये डाइकुस्पिड के थ्रू, किसके थ्रू आता है, तो डाइकुस्पिड, देखिए ये डाइकुस्पिड है, डाइकुस्पिड का काम है ऑक्सीजन को अंदर आने देना, यानी O2 को ये अंदर आने देता है, लेकिन ये रिटर्निंग जाने नहीं देता, यानी ये डाइकुस्पिड जो है जिसको इनेट बल्बा कहते हैं, ये ट्राइकुस्पिड है, इसको भी इनेट बल्बा कहते हैं, इनेट बल्बा 2 प्रकार के होता है, यानी डाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड, ट्राइकुस्पिड में क्या कैरी करता मतलब क्या आता है, तो ट्राइकुस्पिड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या आएगा, तो CO2 आएगा, और डाइकुस्पिड में, तो डाइकुस्पिड में क्या आएगा, तो डाइकुस्पिड में O2 आएगा, क्या आएगा, डाइकुस्पिड में O2। क्लियर है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पल्मोनरी वेन जो है ये क्या करेगा, तो फ्रॉम लंग्स, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाएगा, हार्ट का फर्स्ट चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में, ट्राई डाइकुस्पिड के थ्रू ठीक है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी ऑक्सीजन आएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसके थ्रू, यानी क्या, इसके थ्रू क्या निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल के मेन आर्टरी यानी aorta के द्वारा ठीक ना कहाँ, तो बॉडी में चला जाता है, कहाँ जाएगा, बॉडी में, और ये बॉडी से CO2 यानी कार्बन बॉडी में है, जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं ठीक ना उसमें क्या है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या कन्वर्ट हो जाता है, CO2, और ये CO2 बॉडी से कहाँ से, बॉडी से प्री कैवल वेन, किसके थ्रू, प्री कैवल वेन और पोस्ट कैवल वेन के थ्रू CO2, देखिए यहाँ पर मतलब एरो से दर्शाया हुआ है ठीक ना, ये कहाँ आता है, तो हार्ट में आता है, हार्ट का कौन सा चैम्बर, तो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकुस्पिड के थ्रू, किसके थ्रू, ट्राइकुस्पिड के थ्रू ये लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल्स में आता है, किस में आता है, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स से ये पुनः ठीक ना कहाँ चला जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये लंग में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये लंग, और ये लंग से नोजल कैविटी होते हुए कहाँ निकल जाएगा, तो बाहर, देखिए ये CO2 लिखा हुआ है, देखिए ये CO2 निकल रहा है यहाँ से, और ये CO2 लंग में चला जाएगा, लंग से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, देखिए ये जो इनेट वल्वा है जिसको ट्राइकुस्पिड और डाइकुस्पिड कहते हैं, इसका काम है कि एक साइड से मतलब ऑक्सीजन को इधर आने देगा और रिटर्निंग जाने नहीं देगा।
क्लियर है। और ये जो है इसका सेम इसी प्रकार काम है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने देगा और ये रिटर्निंग जाने नहीं देगा। अगर रिटर्निंग जाने देता तो ये हर्ट में ही घूमते रहता। क्लियर है, क्वेश्चन पूछता है। मैं पहले ही बताया था आपको कि मनुष्य का जो हर्ट है इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इससे हर्ट से मतलब इस हर्ट से ब्लड दो बार मतलब गुजरता है, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेकेंड कार्बोनेटेड ब्लड। क्लियर है। हृदय को मतलब जो संकुचन होता है उसको सिस्टॉल और सिथिलियन को डायस्टॉल कहते हैं। सिस्टॉल और डायस्टॉल मिलकर हार्ट बीट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? हार्ट बीट। क्वेश्चन पूछेगा हार्ट बीट क्रिएट कैसे होता है, तो सिस्टॉल और डायस्टॉल मिलकर हार्ट बीट क्रिएट करता है और ये सिस्टॉल और डायस्टॉल की वजह से हार्ट बीट क्रिएट होता है। क्लियर है। हर्ट जो है जो एक बार फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, इसी को सिस्टॉल और डायस्टॉल कहते हैं और यही सिस्टॉल और डायस्टॉल मिलकर हार्ट बीट क्रिएट करता है। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का हार्ट एक मिनट में 72 बार बीट कर लेता है। क्लियर है, कितना बार बीट करता है? पेन नहीं चल रहा है, ठीक ना, तो ये मतलब 72 बार बीट कर लेता है। और जब अगर हम लोग रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो इसी जो ये मतलब बीटिंग प्रोसेस है ये बढ़ जाता है। क्लियर है, यानी जितना मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, ये बीट करने लगता है 72, 73, 74, 75 इतना, ठीक है। क्लियर है, तो यानी नॉर्मल जो हम लोग का हार्ट बीट है वो कितना है, तो 72 बार। क्लियर है, एक मिनट में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका मतलब हार्ट चैम्बर, मतलब ऑर्गेनिज्म है और इसका कितने चैम्बर का हार्ट है। जो देखिए बात करते हैं हेन का, यानी बर्ड, ठीक है, हेन में 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फ्रॉग में, फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? तो 3 चैम्बर्ड का। रेप्टाइल्स यानी लिजार्ड का 3 चैम्बर्ड, फिश 2 चैम्बर्ड, ह्यूमन 4 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल ये भी 4 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड का? तो 4 चैम्बर्ड। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन MCQ में आपको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अभी मैं बताया इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा और MCQ क्वेश्चन बहुत बनेगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि वेन क्या चीज़ को कैरी करता है, वेन क्या चीज़ को कैरी करता है, तो आंसर देंगे कि CO2 को कैरी करता है। और एटरी क्या चीज़ को कैरी करता है, तो O2 को कैरी करता है। नाम से देखिए एटरी O2, वेन CO2 को कैरी करता है। क्लियर, लेकिन एब सेक्शन में जो है वो क्या है, तो देखिए पल्मोनरी वेन है तो CO2 को कैरी करना चाहिए, लेकिन ये कैरी क्या चीज़ करेगा, तो O2 को कहाँ से, तो लंग टू हार्ट, यानी लंग से मतलब हार्ट में लाएगा। और ध्यान देंगे आर्टरी है तो O2 कैरी करना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो O2 को कैरी ना करके क्या चीज़ कैरी कर रहा है, CO2। देखिए यहाँ पर CO2 निकाल रहा है कहाँ से, तो हार्ट से CO2 लंग तक जाने का काम, ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी कर रहा है। क्लियर है, यानी पल्मोनरी आर्टरी CO2 कैरी करता है और पल्मोनरी वेन O2 कैरी करता है और बाकी आपके बॉडी में जितने भी आर्टरी है सब O2 कैरी करेगा और जितने भी वेन है सब CO2 कैरी करेगा। ये एब सेक्शन है जो याद रखना आपको जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा MCQ कि जो डाइकुस्पिड है ये डाइकुस्पिड कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको ये बताना होगा आंसर कि ये लेफ्ट मतलब हार्ट का मतलब लेफ्ट साइड में, देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन जो मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मिडिल पॉइंट में ये सिचुएटेड है। और जस्ट आपको पूछेगा ट्राइकुस्पिड, तो ट्राइकुस्पिड ये राइट साइड में है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मिडिल पॉइंट पर ये सिचुएटेड है। क्लियर है, इसका काम क्या है, तो मैं पहले बताया कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को आने देता है, रिटर्निंग जाने नहीं देता और इससे उसी प्रकार काम करता है, लेकिन ये CO2 को आने देता है और रिटर्निंग जाने नहीं देता। देखिए ये CO2 आ रहा है और आता है, रिटर्निंग नहीं जाता है, हाँ जाने के लिए अलग रास्ता है। क्लियर, आई होप आप बढ़िया से समझ गए होंगे। किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है, अब इस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे वो मतलब ब्लड को हम लोग मतलब एक्स्ट्रा हम और उसमें बताएंगे, जैसे ब्लड में बताया आपको WBC के बारे में समझाएंगे, एक एक करके RBC को पूरा लिखाएंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स को पूरा लिखाएंगे। क्लियर, वीडियो को लंबा हो जाने के कारण मैं नहीं बना पा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।